अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और मेरे हेयर स्टाइल्स आपको कैसे लगे? जो मैं तीन चार आपको हेयर स्टाइल बताए थे, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो फिर आपने लाइक भी किए हैं और मुझे कमेंट्स में बताया है कि आपको मेरे हेयर स्टाइल अच्छे लग रहे हैं। आज भी एक बहुत अच्छा यूनिक सा हेयर स्टाइल मैं बताने जा रही हूँ, जो कि आज मैं आपको टेल बताऊँगी। बहुत अच्छी टेल होगी। फ्रंट में आप देख लें कि हम लोग थोड़ा सा फ्रेंच नोट दे रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, साथ साथ आप लोग सीखते जाएं और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी नहीं आएगा। अगेन मैं बता दूंगी, डमी होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बहनों के ऊपर, अपनी मामा के ऊपर, अपनी खालाओं के ऊपर, फूफियों के ऊपर, जो भी रिश्ता हो, छोटी बहन है घर में, बाहर फिरती हुई कोई किसी बच्ची को पकड़ लें, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमारा डबल डच ब्रेड है और हमने यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट किया। इसको डबल फ्रेंच भी कहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कॉलेज गोइंग और स्टूडेंट्स जो होती हैं, बच्चियाँ छोटी यूनिवर्सिटी गोइंग, उनके ऊपर भी, और वैसे भी जो बच्चियाँ और लड़कियाँ या औरतें जो अपने आप को स्मार्ट रखे हुए हैं, जिनके बाल अच्छे हैं, छोटे भी हैं, छोटे बालों में भी अच्छे लगते हैं, तो ये ब्रेड जो है ना बहुत ही पसंद की जाती है और अच्छी लगी। लेकिन वही बात है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ से आप शुरू से देख लीजिए कि कैसे बनती है। हमने इसको फ्रंट से उठाया, एक सेक्शन उठाया, उसके तीन सेक्शन किए, जैसे हम फ्रंट में करते हैं इस तरीके से हमने किया। और उसके बाद हम स्टार्ट से आप देख लीजिए, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। मैं अगेन कह दूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी काम आपसे नहीं आएगा। देखने से कभी भी नहीं आता, जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई काम भी नहीं आने वाला। ट्राई 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 अगेन। जिस लड़की ने अगर कोई हेयर स्टाइल सीखना है तो वो मेरे सैलून में विज़िट कर सकती है। बहुत मिनिमम उसमें मैं करवा दूंगी, आपको सिखा भी दूंगी। 1 मंथ का, 15 मंथ का कोर्स होगा, आप लोग आ जाइए। लेकिन मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो 3 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज़ मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूँगी। ये देखिए, दोनों साइड से बन गई है, ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, और अगर समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से बार बार रिवाइंड कर करके मेरी वीडियो दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो आ जाए ज्वाइन माय क्लास जो मैं दूँगी, आप आके सीख सकती हैं मुझसे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में बताते भी हैं कि आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल के आती हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि देखें इस तरीके से आप करेंगी तो आप अच्छी लगेंगी। आप किसी फंक्शन में भी जाते हो, बच्चियों के भी ये हेयर स्टाइल बना सकती हैं, बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप इस पिन कोई एसेसरीज भी लगा दें तो वो भी प्यारा लगेगा। वैसे सादा भी अच्छा लगता है, हम तो इसको सादा ही रखेंगे, तो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए है, बच्चियों के लिए हेयर स्टाइल है ये। जिनके बाल कम हैं वो फिर नीचे चोटी ना बनाएं और वहीं तक रखें, एक सादी पोनी बना सकते हैं, और जिनके बाल लंबे हैं वो इस तरह चोटी बना लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये हेयर स्टाइल भी, आज का हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो हमें याद रखिएगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल जाएं। और दुआओं में मुझे ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, दुआओं की हर शख्स को ज़रूरत होती है, मुझे तो बहुत सख्त ज़रूरत है। तो
इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में। चलिए अल्लाह हाफिज़।